चार मंजिला इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग रात करीब 3 बजे लगी। देखते ही देखते आग ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और आग और धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया, जिससे चार लोग झुलस गए और उनकी मौत हो गई। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास बने नाले में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 सगे भाइयों सहित 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। ये तीनों लड़के डीयू में पढ़ते थे और पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पता कर रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर थाना पुलिस ने महज 36 घंटों के अंदर एक 2 साल के लापता बच्चे को उसकी मां से मिलाया। पड़ोस में रहने वाले पहचान के युवक ने इस बच्चे को चुराकर किसी गिरोह को बेच दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में LG के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की मुहिम तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में रोहिणी सब डिवीजन में SDM ने मंगोलपुरी की कतरन मार्केट पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया। एक तरफ दिल्ली सरकार बढ़ी हुई दर से पेंशन देने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पेंशन की उम्मीद लिए बुजुर्गों का सरकारी दफ्तर का चक्कर काट काट कर बुरा हाल है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अपने बड़े चुनावी वादों को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। दिल्ली सरकार ने पहले फेज में 1.5 लाख CCTV कैमरे लगवाने का काम शुरू कर दिया है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। युवक की लाश प्लेटफॉर्म के नजदीक जंगल में मिली। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। दिल्ली के कड़काडूमा कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में पति ने पत्नी को देने के लिए 10,000 रुपए के 100-100 कॉइन लेकर आया था, जिस पर कोर्ट ने पति नवीन कुमार को फटकार लगाई और कहा कि कोर्ट का वक्त खराब करने के लिए ऐसा किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि पति नवीन अपनी पत्नी को 10,000 रुपए का मेंटेनेंस दे, क्योंकि केस के बाद से पत्नी अलग रह रही है और उसके खर्चे के लिए 10,000 नवीन को देना है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्वरूप नगर थाना एरिया में चोरों के हौसले बुलंद हैं। खुशक गांव में लगातार चोरियां जारी हैं। बीती रात खुशक नंबर 2 में 4 घरों में चोरियां हुई। अभी तक चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। गाजियाबाद में मोदी नगर के गांव अबूपुर में सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से कई बच्चे घायल हो गए। आनन फानन में स्कूल के प्रधानाचार्य और स्टाफ ने बच्चों को बाहर निकाला और इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बाहरी दिल्ली के किराणी इलाके के DDA ग्राउंड में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बारिश में इस ग्राउंड में पानी भर जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई डूब जाए, लिहाजा मामला हत्या का लग रहा है।